ये है झटपट बनने वाला हेल्दी और टेस्टी पालक का रायता। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है ये। हेलो गाइज, वेलकम टू नैराज किचन। पालक का रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक को धो लिया था और उसके बाद में इसको कट कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि इसको हम हल्का सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा बॉईल करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप दही लिया है और एकदम ताज़ा दही है ये। दही खट्टा नहीं होना चाहिए वरना रायते का टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसके अंदर अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीन प्याज डालने वाली हूँ। तो ये ग्रीन प्याज मेरे पास लाए हुए पड़े थे इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें सूखे प्याज भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून में यहाँ पे लाल मिर्ची का पेस्ट बनाया हुआ पड़ा है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। आप इसके अंदर सूखी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। रायते में अगर आपको प्याज पसंद ना हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमें रायते में प्याज पसंद है तो मैं सभी तरीके के रायतों में प्याज डालती हूँ। तो लीजिए हमने मिक्स कर लिया है और अब पालक चेक कर लेते हैं उबला कि नहीं। पालक बॉईल हो गया है और अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये कढ़ाई ली है और एक ये स्ट्रेनर लिया है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं जिससे इसका पानी निकल जाएगा और बाकी का बचा हुआ पानी हम इस तरीके से दबा दबा कर निकाल देंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी बच जाता है तो हम हाथ की हेल्प से भी इस तरीके से दबा दबा कर निकाल सकते हैं। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसको हम आटा गूंदने के काम में लेंगे। ये पालक का पानी है तो पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। पानी निकाले हुए पालक को हम रायते में डाल देते हैं और इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं। इसको तो हमने मिक्स कर दिया है, अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो इस तड़का तैयार करने के लिए मैंने तड़का पैन गैस पर रख दिया है और इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं या कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर जीरा डाला है और 1/2 टीस्पून राई के दाने डाले हैं। अब इसके अंदर मैं कटा हुआ लहसुन डालूंगी क्योंकि इससे रायते का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है उसके अंदर। तो आप डालना चाहें तो डालिए, वरना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और कलर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हल्दी पाउडर डाला है। तो चलिए अब तड़का लगा देते हैं। ये देखिए हल्दी से कितना अच्छा कलर आया है रायते के अंदर। और अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। इस रायते के साथ में आप किसी भी तरीके की रोटी ले सकते हैं, जैसे कि बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी या फिर मिसी रोटी है। सभी रोटियों के साथ में ये रायता बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ग्रीन प्याज के स्प्रिंकल्स और डाल देते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ये बनाइए, तब तक हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।